दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ आते हैं अपनी स्टोरी पर और शुरुआत करते हैं 30 अगस्त 2022 से। उस दिन कतर में इंडियन नेवी के 8 रिटायर्ड ऑफिसर अपने घरों में सो रहे थे। इसी दौरान कतर के इंटेलिजेंस ऑफिसर उनके घर पहुंचते हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। फिर इन्हें अलग अलग जगहों पर कैद रखा जाता है। बाद में इन्हें दोहा यानी कि कतर की राजधानी की जेल में बाकी कैदियों से अलग जेल में बंद किया गया है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ आपको मालूम नहीं है? दरअसल मौत की सजा मिलने वाले इन अधिकारियों पर आरोप है कि वे इसराइल के लिए कतर में जासूसी कर रहे थे। कतर में ऐसे आरोपों के साबित होने पर मौत की सजा का प्रावधान है। इसे लेकर भारत सरकार को कतर सरकार कुछ भी बता नहीं रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह अधिकारी भारतीय दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एवं कंसल्टिंग सर्विस कंपनी में 4 से 6 साल से काम कर रहे थे। यह कंपनी कतरी अमीर नेवल फोर्स यानी QENF को ट्रेनिंग और दूसरी सर्विस प्रदान करती है। यह कंपनी सबमरीन प्रोग्राम में कतर की नौसेना के लिए काम कर रही थी। इस प्रोग्राम का मकसद रडार से बचने वाले हाईटेक इतालवी तकनीक पर आधारित सबमरीन हासिल करना था। इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट की माने तो कहा जा रहा है कि यह अधिकारी कतर की सीक्रेट पनडुब्बी की जानकारी कतर के दुश्मन इसराइल के साथ शेयर कर रहे थे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत सरकार की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया गया है? क्या भारत सरकार ने उन्हें छुड़ाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है? क्योंकि यह लोग तो भारत के वेटरन ऑफिसर्स में गिने जाते हैं। तो आप यह भी जान लीजिए कि इसमें सबसे बड़ी परेशानी कतर की ओर से पूरी तरह खुलकर कुछ नहीं बोलने से हुई है। खबर है कि भारत ने यह भरोसा दिलाने की कोशिश की कि भारतीय अधिकारियों ने कभी भी कतर के दुश्मनों के लिए जासूसी नहीं की है, लेकिन कतर की राष्ट्रीय सुरक्षा और इंटेलिजेंसी के मुताबिक उन्होंने ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट किया है जिसके जरिए यह नेवी ऑफिसर पनडुब्बी प्रोग्राम की जासूसी किया करते थे। हालांकि इस बात के लिए कोई भी सबूत भारत सरकार के साथ शेयर नहीं किया गया है और सारा पेच यहीं आकर फंसता है कि अगर कतर के पास सबूत है तो फिर भारत के साथ वह उसे शेयर क्यों नहीं कर रहा है। दोस्तों यहां कतर का यह रवैया इसलिए भी संदिग्ध नजर आता है क्योंकि दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी सर्विसेज कंसल्टेंसी के प्रमुख ओमान एयरफोर्स के रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर खमीस अल आजमी थे और उन्हें भी उन 8 नौसैनिकों के साथ गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बिना कोई वजह बताए नवंबर में उनको छोड़ दिया गया था। तो क्या यह खेल भारतीय अधिकारियों के लिए खेला गया था? अगर हाँ तो फिर क्यों? खैर फिलहाल तो यह मामला पेचीदा होता दिखाई दे रहा है क्योंकि अब कतर में इन अधिकारियों को मौत की सजा सुनाए जाने की बात भी सामने आ रही है, जिससे इन नौ सैनिकों के भारत में मौजूद परिवार वाले खासे परेशान हैं। वे लगातार सरकार से इसमें हस्तक्षेप करने के लिए कह रहे हैं। वहीं नवंबर में फीफा के उद्घाटन के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की कतर यात्रा ने यह उम्मीद जगाई थी कि वह जेल में बंद 8 भारतीयों का मुद्दा उठाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यह सारा जो तनाव है भारत और कतर के बीच लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत नहीं चाहता कि उसका एक भी नागरिक दूसरे देश में जाकर इस प्रकार से दम तोड़े और यहाँ तो बात रिटायर्ड फौजियों की हो रही है। इस केस में भारत भला पीछे कैसे रह सकता है? अब देखना यह है कि कतर किस तरह से सिचुएशन को डील करता है। क्या भारत के साथ अपने संबंधों को ध्यान में रखते हुए वहां पर मौजूद नौ सैनिकों के साथ न्याय करता है या फिर वह भारत को कतर की न्यायिक प्रोसेस के बारे में बिना जानकारी दिए अपना काम करता चला जाएगा? अब देखना होगा भारत की एम्बेसी क्या करती है, भारत के फॉरेन मिनिस्टर क्या करते हैं और मोदी जी इस मसले पर क्या करते हैं। जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी आपके सामने वह जानकारी मैं लेकर आऊंगी। तब तक बने रहिए मेरे चैनल के साथ, जल्द ही मिलते हैं लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सबको इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। राम राम दोस्तों।